कि कहीं अगर हेवी रेन होने वाला है, और हम लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न है कि इंडिया यहाँ बिहार से ज़्यादा होता है कि नेपाल में कितनी बारिश हो रही है, वहाँ के स्टेशन में कितना बारिश होगा। तो वो हम लोगों ने उसका मैकेनिज्म फिक्स किया है, वो सारा डेटा आ जाता है। दूसरा, बहुत सारा टेक्नोलॉजी स्टील सीट पाइल से लेकर के आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत सारा आ गया, तो हम लोग फेज वाइज यूज करना शुरू किया है, उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो हाईवे है आपका, फोर लेन के पास वो आ जाता है, वो जो समस्या है, तो वहाँ कुछ लैंड इक्वेशन रिलेटेड इशूज है। सीतामढ़ी में, अब सीतामढ़ी में लखनदेई नदी आपको पूरा का पूरा एक डेड रिवर, ये सबसे बड़ा स्टोरी है। एक एक जो मृत नदी था, वो पूरा नदी मुख्यमंत्री जी खुद गए थे 2018 में। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लोगों ने नया टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू किया है दो पार्ट में। एक तो जो आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि 72 घंटे पहले ही जिला प्रशासन को भी जानकारी देते हैं और विभाग को भी जानकारी रहती है कि कहीं अगर हेवी रेन होने वाला है, और हम लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न है कि इंडिया यहाँ बिहार से ज़्यादा होता है कि नेपाल में कितनी बारिश हो रही है, वहाँ के स्टेशन में कितना बारिश होगा। तो वो हम लोगों ने उसका मैकेनिज्म फिक्स किया है, वो सारा डेटा आ जाता है, डिसिमिनेट हो जाता है, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मालूम होता है कि आज उसके एरिया में जम के बारिश होने वाली है। तो बारिश तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अलर्ट हो जाएगा, तैयार रहेगा, एम्बैंक बांध पे रहेगा, मटेरियल लेके रहेगा, तो वो कोई क्राइसिस होता है तो उसको चेक तो कर सकता है। तो एक तो ये है। दूसरा, बहुत सारा टेक्नोलॉजी स्टील सीट पाइल से लेकर के आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत सारा आ गया, तो हम लोग फेज वाइज यूज करना शुरू किया है, उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। एक चीज़ जो और कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि नदी में आप देखते हैं सोल फॉर्मेशन हो जाता है, माने सिल्ट हो गया, थोड़ा ऊंचा आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल सर, गाद की सफाई, गाद की सफाई। तो वो अब इतना स्केल पर तो वो है, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है कि, और उसका एक निकलवा भी लिया है कि जहाँ मेजर, जैसे बलहा बसंत था आपको है वैशाली के पास, इसी टाइप का बहुत जगह पर है, तो उस सोल फॉर्मेशन को हम लोग अभी से कटवाना, जो वो काट करके और वही बालू फ्लड फाइटिंग में ही यूज कर लें। एक सेकंड जब थोड़ा बारिश होगा तो और ढीला हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा धक्का मारेगा तो पानी में बह जाएगा, बालू है ना। तो वो भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बात किया है, जो मुंबई में ड्रिजिंग कॉरपोरेशन है उनसे भी बात कर रहे हैं जो कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है। तो नदी जहाँ बिल्कुल सकरा हो गया है, अब वो सोल वाला काम अगर हो जाता है तो ये पहली बार ये सब काम कर रहे हैं, तो आपका पानी का फ्लो ठीक हो जाएगा। सब गांधी कहते हैं उसका करना कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब तो कहीं फेज वाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और लार्जली जो मैंने आज के मीटिंग में जितना काम हम लोगों ने टेकअप किया है, क्योंकि है तो डिमांड और काम अगर करेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो जो प्रायोरिटी था सरकार में काम करने का, अब एक जगह हमको अभी बता रहे थे कि वहाँ काम नहीं करने दे रहा है, कोई तंग करता है, जो हमको यहीं से कुछ लोग जो आपको यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग आकर के बोले, फिर मैंने बात किया कि कैसे उसको रिजॉल्व होगा। तो एक आपको जो है जो पूरा आपको ये जो हाईवे है आपका, फोर लेन के पास वो आ जाता है, वो जो समस्या है, तो वहाँ कुछ लैंड इक्वेशन रिलेटेड इशूज है, तो उसको हम लोगों ने आज पूरा डिस्कस किया है जो कैसे वो रिजॉल्व होगा। यहाँ जो प्रशासन में भी लोग हैं उनके जो देखते हैं इस चीज़ को, शायद उतना उनके रडार में नहीं था ये चीज़ कि इसको प्रायोरिटी पर करना चाहिए, तो आज उनको रडार में लाया है कि वह जल्दी कराइए इस काम को, नहीं तो एक आदमी गड़बड़ कर दे और डिले कर दे और उस चक्कर में पूरा प्रोजेक्ट फंस जाए इतना काम होने के बाद। तो वो एक टाइम फ्रेम दिया है, 3 दिन के अंदर वो सारा रिव्यू करके बताएंगे। तो और जैसे अभी हम लोगों ने लखनदेई नदी है सीतामढ़ी में, अब सीतामढ़ी में लखनदेई नदी आपको पूरा का पूरा एक डेड रिवर, ये सबसे बड़ा स्टोरी है। एक एक जो मृत नदी था, वो पूरा नदी मुख्यमंत्री जी खुद गए थे 2018 में, और अब जा करके अभी आज रिव्यू में ये सारी बात हुई, 18 किलोमीटर नदी आज पूरा डेड रिवर वो जिंदा हो गया पूरा। तो ये तो एग्जाम्पल है कि भविष्य में हम अन्य जगहों पर भी, हाँ, जो अगर पुराना कोई नदी है तो उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, जो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा। या नेपाल बॉर्डर के पास भी जो टैगिंग का काम है,
जैसे वाल्मीकि नगर बराज ही है, वो 68 ईस्वी का बना हुआ, 50 साल से ज़्यादा हो गया। तो हम लोगों ने कहा है कि 50 साल से ज़्यादा हो गया, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है, तो वो सारा एक, वो भी हम लोग आने वाले टाइम में उस बराज का भी एक पूरा स्टडी कराएंगे, जो उसमें और कोई करेक्शन करना है, कुछ और चीज़ करना है, यही सब डिस्कशन। सुनिए सर, और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।